स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने YouTube चैनल वाईफाई गूगल ज्ञान में। सो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है उन कैंडिडेट के लिए जिनका भी AIIT एग्ज़ाम होने वाला है। सो दोस्तों जैसे ही आप अप्रेंटिस के न्यू पोर्टल पर लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप सभी को एक मैसेज शो होगा, प्रोफाइल नॉट वेरीफाइड, काइंडली अपडेट प्रोफाइल एंड सेंड फॉर वेरीफिकेशन इन ऑर्डर टू साइन कॉन्ट्रैक्ट, क्लिक हेयर टू अपडेट द प्रोफाइल। सो दोस्तों यहाँ पर इस मैसेज का यही मतलब है, आपको यहां पर क्लिक करके अपने प्रोफाइल को अपडेट कर देना है। सो दोस्तों आपको प्रोफाइल अपडेट कैसे करना है इसी की प्रोसेस को हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों यहां पर मैं सबसे पहले आप सभी को यही बता दूं कि यदि आप फ़ोन में अपने प्रोफाइल को अपडेट करते हैं तो आपको फ़ोन में क्रोमी ब्राउजर में जाना है। क्रोमी ब्राउजर में जाने के बाद आपको 3 डॉट पर क्लिक करके आपको डेस्कटॉप साइट में कर लेना है, और जैसे ही आप डेस्कटॉप साइट में कर लेंगे उसके बाद प्रोफाइल को अपडेट कैसे करना है आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आप सभी को क्लिक हेयर टू अपडेट द प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और जैसे ही आप प्रोफाइल अपडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर दोस्तों आप सभी को एक 3 डॉट वाला ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर दोस्तों आप सभी को क्लिक करना है। और जैसे ही आप 3 डॉट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर दोस्तों आप सभी को एक ऑप्शन मिल जाएगा, रेस प्रोफाइल रिक्वेस्ट, यानी कि दोस्तों आप अपने प्रोफाइल के लिए कंप्लेन दर्ज करें। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी को क्लिक करना है, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर दोस्तों आप सभी को 2 ऑप्शन मिलेगा, वेरीफाई प्रोफाइल एंड कैंसिल। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी को वेरीफाई प्रोफाइल पर क्लिक करना है, और जैसे ही आप वेरीफाई प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे यहाँ पर दोस्तों आप सभी को एक नोट लिखा मिल जाएगा, कैंडिडेट विल आल्सो हैव मैंडेटरी ऑप्शन टू अपलोड द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अगेंस्ट ईच चेक बॉक्स मैक्सिमम 2 MB साइज कमा PDF ओनली सिंगल डॉक्यूमेंट, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आप सभी को मैक्सिमम 2 MB का फाइल रखना है, वो भी PDF फॉर्मेट में ओनली, और उसके बाद PDF में दोस्तों यहाँ पर सिंगल डॉक्यूमेंट होने चाहिए। सो दोस्तों यहाँ पर आप सभी को नीचे आना है, और नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका नेम लिखा हुआ है, और नेम लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पर अपडेट के आगे एक चेक बॉक्स है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। और जैसे ही आप चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे यहाँ पर दोस्तों आप सभी को अपना नाम एंटर कर देना है कैपिटल लेटर में, और नाम फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप सभी को सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में आपको जिस भी डॉक्यूमेंट में आपका पूरा नाम शो हो रहा है आपको यहाँ पर उस डॉक्यूमेंट को अटैच कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं 10th का मार्कशीट चूज करूँगा क्योंकि 10th के मार्कशीट में फुल नेम मेंशन होता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं चूज फाइल पर क्लिक करके अपना 10th का मार्कशीट सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर दोस्तों हमने हाई स्कूल का मार्कशीट सेलेक्ट करके ओपन कर दिया है, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप सभी को एक ऑप्शन मिल जाएगा रिमार्क का, यहाँ पर दोस्तों आप सभी को जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड किए हैं उसका आप यहाँ पर नाम लिख देंगे। यहाँ पर दोस्तों मैंने हाई स्कूल का मार्कशीट अपलोड किया है तो यहाँ पर मैं हाई स्कूल टाइप कर देता हूँ। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दोस्तों जेंडर का ऑप्शन मिल जाएगा, जेंडर ऑप्शन में दोस्तों यहाँ पर आप सभी को चेक बॉक्स पे क्लिक करना है, और चेक बॉक्स में जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर दोस्तों आप सभी को अपना जेंडर चूज कर लेना है, यहाँ पर हमने मेल चूज कर लिया, और यहाँ पर दोस्तों आप सभी को सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगा देना है जिस भी डॉक्यूमेंट में आपका मेल और फीमेल शो होता है। सो दोस्तों यहाँ पर आधार कार्ड में मेल और फीमेल जनरली शो होता है, तो यहाँ पर दोस्तों मैं अपना आधार कार्ड डॉक्यूमेंट अपलोड करूँगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमने चूज फाइल पर क्लिक करके अपना आधार कार्ड डॉक्यूमेंट अटैच कर दिया, और यहाँ पर दोस्तों रिमार्क में मैंने उसका नाम टाइप कर दिया आधार कार्ड, और नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर दोस्तों डेट ऑफ बर्थ वाले ऑप्शन के आगे जो चेक बॉक्स है यहाँ पर हमने क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप सभी को अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर दोस्तों हमने डेट ऑफ बर्थ कैलेंडर से सेलेक्ट कर लिया, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जिस भी डॉक्यूमेंट में हमारा डेट ऑफ बर्थ शो होता है यहाँ पर मैं उस डॉक्यूमेंट को अटैच करूँगा। सो दोस्तों यहाँ पर हमने चूज फाइल पर क्लिक किया, चूज फाइल पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर मैं हाई स्कूल का मार्कशीट अटैच कर दूँगा क्योंकि हाई स्कूल के मार्कशीट में यानी कि 10th के मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी शो होता है, और चूज करने के बाद दोस्तों यहाँ पर मैंने अपडेट कर दिया। यहाँ पर दोस्तों रिमार्क में हम हाई स्कूल टाइप कर देंगे। नेक्स्ट है दोस्तों फादर नेम, फादर नेम के आगे आपको जो चेक बॉक्स दिख रहा है यहाँ पर आपको क्लिक करना है, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पर आप सभी को अपने फादर का नाम लिख देना है। फादर का नाम लिखने के बाद दोस्तों आप सभी को सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में जिस भी डॉक्यूमेंट में आपके फादर का नेम शो होगा उसी डॉक्यूमेंट को यहाँ पर अटैच कर देना है। सो दोस्तों यहाँ पर मैं 10th का मार्कशीट अटैच करूँगा क्योंकि 10th के मार्कशीट में फादर नेम शो होता है। रिमार्क में लिख दूंगा मैं हाई स्कूल का मार्कशीट हमने अटैच किया है तो यहाँ पर हाई स्कूल में टाइप कर देता हूँ। और नेक्स्ट दोस्तों मदर नेम, मदर नेम के आगे चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर दोस्तों अपने मदर का नेम टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद दोस्तों आप सभी को सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अटैच कर देना है। यहाँ पर मैं हाई स्कूल का मार्कशीट अटैच करूँगा क्योंकि उसमें मदर नेम होता है। यहाँ पर मैं रिमार्क में हाई स्कूल लिख देता हूँ।
नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर कैंडिडेट सिग्नेचर ईमेल, यहाँ पर आपको चेकबॉक्स पर क्लिक करना है और चेकबॉक्स में क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप सभी को सिग्नेचर का डॉक्यूमेंट अटैच कर देना है। सो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है सिग्नेचर के लिए दोस्तों यहाँ पर JPEG फाइल लगेगा, यानी कि दोस्तों यहाँ पर PDF नहीं लगने वाला है, आपको यहाँ पर JPEG फाइल लगाना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने चूज फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक किया और अपना यहाँ पर मैं साइन चूज कर लेता हूँ और यहाँ पर दोस्तों हमने अपलोड कर दिया। अपलोड करने के बाद दोस्तों यहाँ पर मैं साइन रिमार्क में टाइप कर देता हूँ। और नेक्स्ट है दोस्तों आपका प्रोफाइल ईमेल, यहाँ पर दोस्तों आप सभी को चेकबॉक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और चेकबॉक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप सभी को अपना प्रोफाइल चूज कर लेना है और यहाँ पर दोस्तों आपको रिमार्क में प्रोफाइल इमेज टाइप कर देना है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप सभी को लास्ट में एक ऑप्शन मिलेगा क्वालिफिकेशन डिटेल, सो दोस्तों यहाँ पर आप सभी को चेक बॉक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं हाईएस्ट क्वालिफिकेशन यहाँ पर मेरा ITI है, यहाँ पर मैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में ITI अटैच करूँगा और यहाँ पर मैं अपना ITI का सर्टिफिकेट अटैच कर दूँगा, रिमार्क में ITI सर्टिफिकेट टाइप कर दूँगा। और यहाँ पर दोस्तों इतना सारा चीज़ फिल करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा एक चेक बॉक्स का, आपको इसे टिक कर देना है और टिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर सबमिट फॉर अप्रूवल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट फॉर अप्रूवल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर दोस्तों आप सभी को एक ऑप्शन मिल जाएगा प्रोसीड का, आपको यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक कर देना है और जैसे ही आप प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपको थोड़ा सा वेट करना है और वेट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप सभी को एक मैसेज लिखा हुआ आ जाएगा सेंड सक्सेसफुली, यहाँ पर दोस्तों आपको ओके कर देना है और जैसे ही आप ओके कर देंगे दोस्तों यहाँ पर आप सभी का वो मैसेज हट जाएगा। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप सभी को डैशबोर्ड वाले ऑप्शन में एक मैसेज शो होगा योर प्रोफाइल रिक्वेस्ट इज पेंडिंग फॉर अप्रूवल, यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमारा प्रोफाइल 1 से 2 दिन या फिर 24 घंटे या 48 घंटे के अंदर हमारा प्रोफाइल अपडेट कर दिया जाएगा। बाकी दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर आते रहता है। बाकी दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।